अनुपमा भी यहाँ नहीं है, अनुज भी यहाँ नहीं, इसका मतलब दोनों साथ हैं। अनुपमा की नजर हर वक्त अनुज पर रहती है। अनुज का प्यार ठुकराने के बावजूद भी अनुपमा का रास्ता रोका अनुज ने। अनुज और माया के रिश्ते को लेकर बावली हुई जा रही है माया। माया के अक्ल ठिकाने लगाएगा वनराज, खोलेगा अनुज का गहरा राज। स्टार प्लस के शो अनुपमा में अनुपमा और अनुज के बीच में काफी सारी बातें हुई, जहां पे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो गई। अनुज क्यों नहीं आ पाया एक महीने से मिलने के लिए अनुपमा से, उसने वो सब कुछ बताया। माया की दिमागी हालत अब ठीक नहीं है, लेकिन अनुपमा ने सब कुछ जानने के बाद माफ तो कर दिया है अनुज को, लेकिन अब उसने अपना रास्ता अलग कर दिया है क्योंकि उसके सपने अलग हो चुके हैं। उसने कह दिया है कि अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसे में अनुपमा घर के लिए निकल तो जाती है, लेकिन रास्ते में एक कार उसके सामने आ जाती है जो उसका रास्ता रोकती है। उस कार में कोई और नहीं अनुज है। वहीं दूसरी ओर घर में परेशान हो रही है माया और उसने सबका जीना हराम कर दिया है। वो अब सोच रही है कि पूरी रात से गायब है अनुज और अनुपमा। अनुपमा मेरे अनुज को कहीं लेकर मुझसे दूध छीन कर चली जाएगी। ऐसे में वनराज ने माया के अक्ल ठिकाने लगाते हुए ये कहा है कि अनुज ही वो इंसान है जो अनुपमा के पीछे पीछे भागता रहता है। अनुपमा को अनुज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये सब कुछ जानने के बाद माया की दिमागी हालत और कितनी ज़्यादा ख़राब होगी और वो कितने लोगों को परेशान करेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और आखिर अनुज ने अनुपमा का रास्ता क्यों रोका? इस नए ट्रैक को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।